सो हाय गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग फ्री टेक। दोस्तों, अगर आपके पास है यार रियलमी 9i 5G, तो आज के इस वीडियो में इसी का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग के यार डेली लाइफ में मदद करेगा आपका जो डिवाइस है इसको यूज़ करने में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे घबराना नहीं, क्योंकि अगर आपके पास है यार रियलमी 9i 4G वाला भी वेरियंट, या फिर दोस्तों यहाँ पे एनी काइंड ऑफ रियलमी डिवाइस जिसमें यार रियलमी UI 3.0 यहाँ पे रन कर रहा है, तो ये सब फीचर्स आप लोग उन डिवाइस के अंदर भी सर्च करके देख सकते हो, सब मिल जाएगा। कुछ फीचर यहाँ पे यूनिक मिल सकते हैं रियलमी 9i 5G के अंदर। तो यार आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, इस वीडियो को एक बार से लाइक करना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे फ्री टेक चैनल को, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर इसके फर्स्ट फीचर की बात करें तो आप लोग देख ही सकते हो, नोटिफिकेशन पैनल में आपको मीडिया आउटपुट का एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसके अंदर आप लोग टैप करेंगे तो आप लोग यार अभी फिलहाल देख सकते हो, मेरा जो डिवाइस है इसके साथ मैं कनेक्ट कर रखा हूँ एक वायर्ड हेडफोन एंड एक है ब्लूटूथ हेडफोन, दोनों को यहाँ पर मैं कनेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पर क्या है कि सीन यार, आप लोग मीडिया आउटपुट को बेसिकली चूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको सुनना है वायर्ड हेडफोन के साथ गाना वगैरह जो भी प्ले हो रहा होगा आपके डिवाइस में, तो ऐसे जो कि आप लोग स्विच कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर चाहते हैं कि ब्लूटूथ ईयरफोन में सुनाई दे तो आप लोग कुछ ऐसे इसको बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा फीचर आपको दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए दोनों के अंदर आपको एक साथ सुनना है जो भी आप लोग प्ले करते हैं अपने डिवाइस में, तो इसके लिए आप लोग सिंपली जाएंगे यार सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देख ही सकते हो रियलमी लैब का एक ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्यूअल मोड ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसके अंदर जाने के बाद एक बार से आप लोग इनेबल कर दीजिएगा ड्यूअल मोड ऑडियो को। एंड यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा होगा, जो भी आप लोगों का ब्लूटूथ का नेम है वो आएगा, उसके नीचे यहाँ पे देखिए वायर्ड ईयरफोन्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर देना है। तो अभी क्या होगा कि जो भी सॉन्ग्स या फिर वीडियो प्ले करेंगे आपके डिवाइस में ब्लूटूथ ईयरफोन एंड ये वायर ईयरफोन दोनों के अंदर सुनाई देगा। एंड नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो आप लोग यार जो रिसेंट एप्लीकेशन है ना, इसका कंटेंट को हाइड कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मुझे यार काफ़ी सही लगा, ये दोस्तों यहाँ पे नया भी मुझे लगा रियलमी डिवाइसेस के अंदर। मैं भी इससे पहले किसी भी रियलमी डिवाइस में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये है हिडन कंटेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसको अगर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे, इसका जो कंटेंट है ये यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी के मामले में आप लोग बोल सकते हो काफ़ी सही एक फीचर है। तो ये आप लोग किसी भी रिसेंट ऐप के अंदर इनेबल कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे देखिए हाइड कंटेंट, मान लीजिए अगर आप लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं ना, यहाँ पे नहीं चाहते कि कोई भी रिसेंट ऐप्स में आकर आपका चैट वगैरह पढ़ ले, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे हाइड कंटेंट के अंदर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए इसको अगर आप लोग क्लियर करते हो, बाद में मान लीजिए मैं अभी फिलहाल यूट्यूब को ओपन किया, ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से जाता हूँ रिसेंट ऐप्स में, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि फिर से ये दिखे, तो आप लोग यार सिंपली यहाँ पे शो कंटेंट के अंदर क्लिक कर सकते हो। तो ये वाला फीचर यार मुझे काफ़ी सही लगा। और इसी रिसेंट ऐप्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है यार फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग विंडो में अगर आप लोग क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखिए एक विंडो सा बन चुका है बेसिकली। इसके अंदर आप लोग यार एक्सेस कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन है आप लोगों का, ओके, एंड ऐसे आप लोग कुछ इसको ड्रैग कर सकते हो किसी भी जगह। एंड यहाँ पे दोस्तों साथ में और भी एप्लीकेशन को यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो एक साथ। और इसी रिसेंट ऐप्स के अंदर आप लोग स्प्लिट स्क्रीन को भी इनेबल कर सकते हो लाइक यहाँ पे देखिए, सिंपली आप लोग स्प्लिट स्क्रीन के अंदर क्लिक कीजिए। एंड ये दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग यार एक स्क्रीन के अंदर दो दो एप्लीकेशन को एक साथ यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे देखिए, मैं अभी फिलहाल इसके अंदर सेटिंग्स को ओपन कर रखा हूँ एंड यहाँ पे मैं आधे स्क्रीन में बेसिकली यूट्यूब को इन्जॉय कर रहा हूँ। तो ये वाला फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है रियलमी 9i 5G एंड दोस्तों यहाँ पे किसी भी रियलमी डिवाइसेस में, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं सेटिंग्स में एंड नीचे आप लोग देख सकते हो पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसके अंदर यार आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइकन में जाकर बेसिकली यहाँ पे जो आइकन शेप है इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए आप लोग सिंपली आर्ट प्लस आइकन का जो ऑप्शन है इसको भी इनेबल कर सकते हो, ओके। किसी भी एप्लीकेशन का जो यहाँ पे दोस्तों नेम है, यहाँ पे देखिए नेम आप लोग कुछ ऐसे बेसिकली बड़ा कर सकते हो, लाइक यहाँ पे देखिए इतना बड़ा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड है ये मीडियम वाला, ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आइकन का साइज है, आइकन साइज या फिर दोस्तों यहाँ पे शेप बोल सकते हैं आप लोग, इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे, तो ये फिलहाल अभी डिफॉल्ट के अंदर है, तो यहाँ पे देखिए जो आइकन शेप है ये भी यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है लाइक दिस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इसका स्टाइल है मेटेरियल स्टाइल में जो कि आप लोग इसको रख सकते हो, तो कुछ ऐसे यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन का जो आइकन है ये शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पीबेल का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो पीबेल में कुछ ऐसा शो करता है।
अदरवाइज गाइज यहाँ पे कस्टम का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कस्टम में आप यार अपने हिसाब से इसको बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हैं कि राउंड कॉर्नर कितना रहेगा कुछ ऐसे। ओके, इसके लिए हमें देखिए फोरग्राउंड आप लोग कितना रखना चाहते हैं। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नेम्स है, तो नेम्स को आप लोग हाइड अगर करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन के नीचे आप लोग देख सकते हो। लाइक मैसेज एप्लीकेशन के नीचे मैसेज लिखा है, तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि ये सब शो करे तो इसको आप लोग सिंपली डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए नाम जो भी था गायब हो चुका है। तो जो भी आप लोग चेंजेस वगैरह करेंगे तो उसको करने के बाद आप लोगों को सिंपली अप्लाई के अंदर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके डिवाइस में ये वाला यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्विक सेटिंग का एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे क्विक सेटिंग क्या है कि ये वाला जो सेफ है ना, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आइकन को भी आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सेफ है। लाइक यहाँ पे देखिए स्क्वायर के अंदर कुछ ऐसा दिखता है, इसके अलावा रोम्बस में भी आप लोग इसको रख सकते हैं, तो रोम्बस में कुछ ऐसा शो करता है। तो ऐसे करके जो कि आप लोगों को टोटल 6 ऐसा ऑप्शन दिया गया है लाइक दिस। ओके, इसके अलावा दोस्तों इन सब का जो कलर है ना, कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए सिंपली आप लोग जाएंगे कलर्स में, कस्टम का एक ऑप्शन दिया गया, खुद से आप लोग कोई भी कलर को यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव के अंदर क्लिक कीजिए एंड आप लोग देख ही सकते हो हमारा जो कलर है, कलर बेसिकली चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ देखिए कुछ डिफॉल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे देखिए बायोंड के अंदर भी आप लोग रख सकते हो, तो कुछ ऐसे कलर्स आप लोगों को शो करेगा। ये जस्ट यहीं पे नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं यार सेटिंग्स में भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए जो कलर्स है, कलर्स बेसिकली चेंज हो चुका है। तो ये पर्सनलाइजेशन के अंदर दोस्तों आप लोग इतने सारे काम एक साथ कर सकते हो। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन वॉलपेपर कलर पिकिंग जो है, इसको अगर आप लोग एनेबल कर देते हो तो क्या है यार, जो आपका वॉलपेपर है ना उससे मिलता जुलता आप लोगों का आइकन का जो कलर से ये चेंज होते रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग अपना वॉलपेपर को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग एक कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल ये जो ऐप ड्रॉअर है इसको यार आप लोग ऑफ भी कर सकते हो। कैसे, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे टैप एंड होल्ड करेंगे एंड यहाँ पे जो सेटिंग्स है आई मीन दोस्तों में मोर के अंदर जाएंगे, होम स्क्रीन मोड का एक ऑप्शन दिया गया। तो इसके अंदर यार आप लोग अभी फिलहाल देख सकते हो ड्रॉअर मोड है, तो अगर आप लोग कर देते हैं यार स्टैंडर्ड मोड एंड ये जो स्वाइप अप सर्च है तो इसको भी ऑफ कर देना एंड इसको एक बार से यार आप लोग अप्लाई कर देना एंड यहाँ पे देखिए स्विच हो जाएगा स्टैंडर्ड मोड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं आ रहा है ड्रॉअर वाला ऑप्शन, तो ऐसे जो कि आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर आपको मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्चर, तो गाइज इसको अगर आप लोग एनेबल कर देते हो तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। लाइक अगर आप लोग जैसे यहाँ पे कुछ करेंगे तो यहाँ पे सिंगल हैंडेडली आप अपने डिवाइस को यूज कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप लोग को ओपन करना है तो इसके अंदर आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, देन ये वाला यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ये काम करता है लाइक दिस। ओके, तो इसी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर दोस्तों आप लोगों को डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, तो इसको अगर आप लोग इनेबल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आपको मिलता है यार डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ये दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन के लिए है, तो इसको भी आप लोग इनेबल कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अगर आप लोग जाते हैं होम स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन हमारा ऑफ हो चुका है। एंड दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर डबल टैप फिर से करेंगे तो स्क्रीन हमारा फिर से ऑन हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ फिर से अगर आप लोग डबल टैप करेंगे तो फिर से दोस्तों यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन को अगर आप लोग एनेबल करके रखेंगे तो कुछ ये ऐसे वर्क करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर अभी होम स्क्रीन के अंदर हम लोग स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो सर्च बार है ये आ जाता है ऐप सर्च करने का ऑप्शन, लेकिन इसको आप लोग यार स्विच कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग सिंपली नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर क्लिक कीजिएगा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर यहाँ पे नीचे आ रहा है। एंड उसी सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो क्लॉक स्टाइल का एक ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन के अंदर हमारा जो टाइम है, तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो हॉरिजॉन्टल मोड के अंदर बेसिकली शो करते हैं। तो एक बार से मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो जो टाइम एंड डेट है ना कुछ ऐसे शो कर रहा है। ओके, तो इसको आप लोग यार चेंज कर सकते हो वर्टिकल स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल में आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए एंड अभी आप लोग देख सकते हो जो डेट एंड टाइम है ये कुछ वर्टिकली यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन अभी फिलहाल नया ऐड किया गया है रियलमी डिवाइसेस में। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखिए रिसेंट टास्क मैनेजर का जो ऑप्शन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको यार आप लोग एक बार से इनेबल कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जो रिसेंट एप्स है ना, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का कितना जीबी रैम यहाँ पे यूज़ हो रहा है अभी फिलहाल एंड कितना यहाँ पे फ्री है। और इसी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें क्या है कि यार अभी आप लोग देख सकते हो मेरा जेस्चर नेविगेशन एनेबल्ड है,
अगर आप लोग चाहते हैं यार बटन करना, तो कुछ ऐसे आप लोग बेसिकली बटन को भी रख सकते हो, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे आप लोग बैक वगैरह जा सकते हो, कुछ ऐसे यहाँ पे रिसेंट ऐप्स ओपन होगा, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आप लोग होम स्क्रीन में डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो थोड़ा मॉडर्न होना तो यार आप लोग जेस्चर को भी इनेबल कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पे देखिए वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन, तो इसको भी आप लोग अगर इनेबल कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग बैक वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आप लोगों को फील होगा। और जैसे कि आपको पता होगा रियलमी 9i 5G के अंदर आपको एक 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग जाएंगे सिंपली डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर, तो आप लोग यार यहाँ पे नीचे देख सकते हो स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसके अंदर क्लिक करके आप लोग अपना यहाँ पर जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड मोड में अगर आप लोग करते हैं तो 60Hz में बेसिकली कन्वर्ट होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हाई रिफ्रेश रेट के अंदर काम करे तो यहाँ पे आप लोग सिंपली हाई के अंदर यानी कि दोस्तों यहाँ पे 90Hz में बेसिकली ऑपरेट होगा। या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑटो सिलेक्ट का भी ऑप्शन है, तो इसको अगर आप लोग इनेबल कर देते हैं तो क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अगर 90Hz सपोर्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली 90Hz में स्विच हो जाएगा। अगर ये 60Hz में वर्क करता है तो ये ऑटोमेटिकली फिर से 60Hz में आ जाएगा। एंड इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलता है, लाइक यहाँ पे देखिए वीडियो कलर इन्हेंसर, तो इसको अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे एनेबल कर देते हो तो क्या होगा, अगर कोई भी वीडियो वगैरह आप लोग प्ले करते हो तो उसमें दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट या फिर आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ा सा सेचुरेटेड शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोगों को मिलता है एक कलर स्क्रीन मोड का भी ऑप्शन, तो ऐसे कुछ आप लोग वार्मर कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को, या फिर अगर आप लोग डिफॉल्ट में रखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे कूलर में रखते हैं दोस्तों पर थोड़ा कूल टोन आएगा आपके स्क्रीन के अंदर, लेकिन ये डिफॉल्ट वाला सही है तो हम लोग इसके अंदर ही रखते हैं ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डार्क मोड वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है, तो गाइज यहाँ पे देखिए डार्क मोड में ऑटो स्विच का एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसको अगर आप लोग एनेबल कर देते हैं तो सनसेट टू सनराइज का एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया, यानी कि दोस्तों सनसेट के दौरान ऑटोमेटिकली डार्क मोड एनेबल हो जाएगा एंड जैसे सनराइज होगा फिर से दोस्तों यहाँ पे लाइट मोड में स्विच हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कस्टम का भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लाइट मोड का टाइम यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, जो भी टाइम लगाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे डार्क मोड का भी टाइम यहाँ पे आप लोग स्विच कर सकते हो इतने। और अगर आप लोग जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो इसमें क्या है कि ज्यादा कुछ फीचर है नहीं बताने लायक, फिर भी दोस्तों मैं जस्ट आपको दिखा देना चाहूंगा। लाइक हैप्टिक्स एंड टोन में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ से जो कि आप लोग डायल पैड टोन वगैरह इनेबल डिसेबल कर सकते हो, तो एक बार से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई भी अगर यहाँ पे नंबर को डायल कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये जो साउंड आ रहा है ना, तो इसको जो कि आप लोग यहाँ से कुछ डिसेबल कर सकते हो लाइक दिस। एंड लॉक स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पे जो साउंड आता है इसको भी आप लोग डिसेबल इनेबल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट में जो साउंड आता है इसको भी आप लोग यहाँ कर सकते हो बेसिकली इनेबल डिसेबल। जब हम लोग कोई फोटो को एडिट करते हैं एक साउंड सुनाई देता है तो इसको भी आप लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हो कुछ यहाँ से ओके। और फिर आता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, तो यहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं यार स्टेटस बार में तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे जो टाइम है ना, तो आवर्स एंड मिनट शो कर रहा है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो आवर्स मिनट एंड सेकंड। तो यहाँ पे देखिए आवर्स मिनट एंड सेकंड के अंदर हम लोगों ने स्विच कर दिया, तो अभी आप लोग देख सकते हो आवर्स मिनट एंड दोस्तों यहाँ पे साथ साथ जो सेकंड है ये भी रन कर रहा है ओके। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए नोटिफिकेशन आइकन जो है, तो यहाँ पे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है ऊपर में तो कुछ ऐसे शो करता है, लाइक यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का जो सिंबल है ये आ जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं नंबर शो करें कि कितना नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कुछ ऐसे स्विच कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई भी शो ना करे तो आप लोग सिंपली डू नॉट शो के अंदर क्लिक कर देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड गाइज यहाँ पे सही यही रहेगा, आप लोगों को भी थोड़ा सा जानने में आसानी होगा अगर आप लोग करेंगे शो आइकन के अंदर क्लिक। इसके अलावा गाइस यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो बैटरी स्टाइल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लूप, तो अभी आप लोग देख सकते हो हॉरिजॉन्टल मोड में हमारा जो बैटरी स्टेटस है ये शो कर रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखिए वर्टिकल में भी आप लोग रख सकते हो, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे, या फिर यहाँ पे जो कि आप लोग लूप के अंदर भी रख सकते हो लाइक दिस, ये है हमारा बैटरी स्टेटस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अच्छा है ये कि आप लोग रखिए उसको हॉरिजॉन्टल के अंदर। और ये जो बैटरी परसेंटेज है तो इसको भी आप लोग यार चेंज कर सकते हो इसका स्टाइल, तो सिंपली इसके अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो तो जो बैटरी के अंदर ही अभी फिलहाल हमारा शो कर रहा है कितना परसेंट बैटरी है। आउटसाइड बैटरी आइकन भी कर सकते हो, तो आप लोग देख ही सकते हो अभी फिलहाल बैटरी के साइड में शो कर रहा है यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे डू नॉट शो भी कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली बैटरी परसेंटेज को कुछ ऐसे बेसिकली
कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा नीचे आप लोग देख सकते हो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहेगा, ब्लूटूथ, एचडी वॉइस, वो वाईफाई, रिंग, एयरफोन, ओके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो इसको अगर आप लोग इनेबल कर देंगे तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आप लोगों का क्या कुछ चलेगा, आई मीन दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह दे रहा है आप लोगों का, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको आप लोग ज़रूर से इनेबल करके रखना। और अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप लोग जाते हैं सेटिंग्स में, तो आप लोग देख ही सकते हो स्पेशल फीचर का एक ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों वही सब रटा रटा या बात है, स्प्लिट स्क्रीन तो मैं जस्ट आप लोगों को बता ही दिया, इसके अलावा फ्लेक्सिबल विंडो एंड स्मार्ट साइड बार, तो ये दोस्तों यहाँ पर डिसेबल रहता है, तो इसको एक बार से आप लोग इनेबल कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ स्वाइप करेंगे ऐसे, तो आप लोगों को शॉर्टकट में कुछ एप्लीकेशन यूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर यार आप लोग कुछ कुछ लिमिटेड यहाँ पर एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे किसी भी जगह से आप डिवाइस के अंदर। किड्स स्पेस, तो ये क्या, अगर आपके घर में छोटा बच्चा वगैरह होगा तो इसमें जो कि आप लोग किड्स स्पेस उसको इनेबल करके दे सकते हो। इसमें क्या होगा कि यार आप अपने हिसाब से जो भी एप्लीकेशंस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो बच्चा वहाँ पे वही सब एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाएगा लाइक दिस। आई मीन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होम स्क्रीन में ओनली जो एक एप्लीकेशन हम लोगों ने अभी फिलहाल सिलेक्ट किया वही शो कर रहा है। अगर आपको इससे बैक जाना है तो सिंपली यहाँ पर जो थ्री डॉट है इसके अंदर क्लिक करने के बाद एग्जिट के अंदर क्लिक करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो सिंपल मोड एक ऑप्शन है, तो ये सिंपल मोड भी कुछ ऐसा ही है लाइक यहां पे आप जाते हैं एंटर सिंपल मोड में, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग वगैरह होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों के लिए यार बड़ा बड़ा आइकन चाहिए होता है या जो टेक्स्ट वगैरह है वो ठीक से पढ़ पाए, इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज में शो कर रहा है, तो ऐसे जो कि वो लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस को, तो उन लोगों के लिए है ये वाला सिंपल मोड। अगर आप लोग इससे एग्जिट जाना चाहते हैं तो सिंपली इसके अंदर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एग्जिट के अंदर फिर से क्लिक कर देना होता है एंड आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो फिर से आप लोग नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएंगे। और इसी स्पेशल फीचर में दोस्तों यहाँ पे जेस्चर एंड मोशन तो मैं आप लोगों को बता ही दिया, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन शॉट का एक ऑप्शन मिलता है, तो इसके अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन शॉट तो यार आप लोग थ्री फिंगर स्वाइप से ले ही सकते हो लाइक दिस, ओके। एंड देन आपको अगर लेना है पार्शियल स्क्रीन शॉट तो आप लोग सिंपली थ्री फिंगर को ऐसे कुछ होल्ड करके रखेंगे तो आप लोग देख ही सकते हो, आप अपने हिसाब से बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आप लोग को ऑप्शन दिया गया लाइक रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म, एलिपोस वगैरह, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से बेसिकली इसको सिलेक्ट कर सकते हो लाइक ऐसे कुछ आप लोग कर सकते तो किसी भी एरिया को सिलेक्ट जो भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे लेना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्क आप का एक ऑप्शन है, तो इसके अंदर क्लिक करके आप किसी भी टेक्स्ट को बेसिकली हाईलाइट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो कुछ ऐसे, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली राइट के अंदर क्लिक कर देना, देन आप लोगों का यहाँ पर स्क्रीनशॉट रेडी हो चुका है। तो एक बार से मैं जस्ट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। और इसी के अंदर आपको दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेटिंग्स क्या कुछ है चलिए हम लोग एक बार से देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यार देख ही सकते हो रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, यानी कि जो आपका सिस्टम के अंदर साउंड वगैरह होगा ये भी रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, अगर आप लोग एक क्रिएटर वगैरह होंगे अगर आप चाहते हैं माइक लगाकर कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह करना तो इसको एक बार से इनेबल कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आप लोगों का जो माइक का वॉइस या फिर जो भी ऑडियो वगैरह रहेगा वो कैप्चर करेगा। एंड यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं जो इसका पिक्चर डेफिनेशन क्या कुछ रहेगा, आई मीन दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, हाई में अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी आप लोगों का बेटर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेम रेट भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, 30 FPS आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 स्क्रीन टचेस, मान लीजिए अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें चाहते हो कि आप लोगों का टचेस बेसिकली शो करे, जिसको भी आप लोग टच करें, तो इसको यहाँ पे आप लोग एनेबल कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो सिंपली इसको डिसेबल भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर साथ साथ फ्रंट कैमरा से भी आप लोग वीडियो ले सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, तो इसको अगर आप लोग इनेबल कर देते हो, ओके। और अगर आप चाहते हो वन हैंड मोड को यूज़ करना तो आप लोग जाएंगे सिंपली सिस्टम सेटिंग्स में एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो वन हैंड मोड का ऑप्शन है, तो ये ऑफ रहेगा, तो सिंपली इसको एक बार से आप लोग यहाँ पे इनेबल कर दीजिएगा। तो आप लोग कुछ ऐसे स्वाइप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो वन हैंड मोड इनेबल हो चुका है, तो आप लोग वन हैंड के अंदर अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। और इसी सिस्टम सेटिंग में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है लाइक यहाँ पे देखिए पावर बटन का एक ऑप्शन दिया गया आप लोगों को इसके अंदर, तो इसमें दोस्तों क्या है, मान लीजिए अगर आप लोग पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं यहाँ से आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट या फिर पावर ऑफ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी ये वाला ऑप्शन इनेबल है लाइक यहाँ पे देखिए अगर मैं पावर बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट इनेबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में यार आप लोग जो पावर बटन है तो इसको यहाँ पर देखिए पावर मेनू के अंदर सिलेक्ट करके रखिए, तभी जैसे आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो आप लोगों का
पावर ऑफ या फिर रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, तो इसको अगर आप लोग इनेबल कर देते हो तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा पावर बटन से अगर आप लोग कॉल्स को काट सकते हो या फिर डिस्कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग जाते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में तो आप लोग देख ही सकते हो फिंगरप्रिंट के अंदर जाने के बाद यहाँ से जो कि आप अपना फिंगरप्रिंट वगैरह को तो ऐड कर ही सकते हो। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन ऑफ अनलॉक का, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है लाइट टच एंड एक है फर्म टच। तो ये जो फिंगरप्रिंट है मैं जस्ट यहाँ पे टच कर रहा हूँ एंड दोस्तों ये जो कि ओपन हो जा रहा है, लेकिन यहीं पर अगर आप लोग कर देते हो यार फर्म टच तो यहाँ पे देखिए मैं इसको टच करूंगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओपन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि यार इसको प्रेस करना होगा देन ये ओपन होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जस्ट टच के अंदर ही काम कर जाए तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लाइट टच के अंदर इसको रख सकते हो ताकि जस्ट टच करने के बाद ही आप लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो वर्क करे। और इसके अंदर आप लोग फेस अनलॉक वगैरह भी सेट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड भी इसके अंदर आप लोग चेंज वगैरह कर पाएंगे। तो अभी चलिए हम लोग एक बार से कोई भी पासवर्ड डालते हैं अपना प्राइवेसी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक बार से डाल देते हैं एक पैटर्न को। तो प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के बाद अगर आप लोग जाते हैं प्राइवेसी वाले ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, तो इसको एक बार से आप लोग एनेबल कर दीजिए देन यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा जो भी एप्लीकेशंस को आप लोग लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली इसको एक बार से एनेबल कर दीजिएगा लाइक दिस। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशंस को हाइड करना तो यहाँ पे देखिए हाइड एप्स का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से जो कि आप अपने एप्लीकेशंस को बेसिकली हाइड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक कोड सेट करना है, तो सिंपली आप लोग जाएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ पे आप लोगों को डालना है पहले हैज, उसके बाद यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट कोड डालना है लाइक यहाँ पे देखिए 222 एंड फिर से हैज, एंड देन यहाँ पे आप लोग सिंपली इसको राइट क्लिक कर दीजिए एंड दोस्तों यहाँ पे डन के अंदर एक बार से क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अमेजोन को हम लोगों ने अभी फिलहाल हाइड कर दिया है, तो अभी आप लोग इसको अनहाइड या फिर दोस्तों यहाँ पे कैसे देखें तो इसके लिए आप लोग जाएंगे सिंपली डायल में, कोड डाला था तो इसको एक बार से डालना है हैज़ 2222 एंड हैज़। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो हाइड एप्लीकेशन है यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप लोग जाते हो बैटरी सेटिंग्स में तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दो ऑप्शन दिया गया, एक है पावर सेविंग मोड, मान लीजिए आपके डिवाइस के अंदर ज़्यादा चार्ज नहीं है तो आप लोग इसको एनेबल कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप लोगों का जो डिवाइस है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा जो इसका बैटरी है। या फिर दोस्तों इससे भी तगड़ा एक फीचर दिया गया है जो कि सुपर पावर सेविंग मोड, एक बार से मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। तो गाइज यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा है 57% बैटरी, तो यार यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो 57% में 1 दिन 8 घंटा 13 मिनट ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा जो बैटरी है इसका। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे कैसे वर्क करता है, लाइक यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी 6 एप्लीकेशन को इसके अंदर एड करके रख सकते हो जिसको आप लोगों को यूज़ करना है फ्रिक्वेंटली। तो ये सब एप्लीकेशन के अलावा और आप लोग किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक अच्छा फीचर है, मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन में आपका बैटरी तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को इससे बाहर जाना है तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक बार से आप लोग क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड, देन आप लोग फिर से नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएंगे। और इसी सेटिंग के अंदर आप लोग देख सकते हो एडवांस सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें दोस्तों इसको आप लोग इनेबल करके रखिए ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आप लोग रात में चार्ज में लगाकर सोते हैं अपने डिवाइस को सो उस टाइम में ये ओवर चार्जिंग ना हो, इसीलिए आप लोग इसको इनेबल करके रख सकते हैं ताकि जैसे 100% चार्ज होगा दिन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा चार्ज से। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आपको मिलता है अबाउट डिवाइस में, ये मोस्ट ऑफ आप लोगों को रियलमी या फिर दोस्तों अभी जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस आ रहे हैं सब में दिया जा रहा है जो कि रैम एक्सपेंशन वाला फीचर। लाइक यहाँ पे देखिए आप लोग जाएंगे सिंपली रैम के अंदर तो यहाँ पे अभी फिलहाल आप लोग 3 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे इसके अंदर। तो गाइज इसको अगर आप लोग कुछ ऐसे एनेबल कर देते हो तो आप लोगों का जो ऐप ओपनिंग है ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पे वर्चुअली आप लोगों को 3 GB रैम एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जा रहा है रैम एक्सपेंशन वाला फीचर। इसके अलावा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटियल कंट्रोल्स, इसमें आकर आप लोग बेसिकली पता कर सकते हो कि कितना मिनट या फिर कितना घंटा 24 आवर्स के अंदर आप लोगों ने यूज़ किया है अपने डिवाइस को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज मैंने 36 मिनट इसका जो स्क्रीन है वो ऑन रहा है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 7 टाइम्स मैंने डिवाइस को अनलॉक किया एंड यहाँ पे 2 नोटिफिकेशंस रिसीव हुआ है। और अगर आप जाते हो डैशबोर्ड में तो यहाँ पे आकर आप लोग देख सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया है। लाइक यहाँ पे देखिए सेटिंग्स के अंदर मैं 36 मिनट 3 स्पेंड किया हूँ, बाकी यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट फोटो है, 1 मिनट फोन के अंदर है, 1 मिनट कैलकुलेटर। और नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीमिंग साइड में जाते हैं, लाइक दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब हो सकता है या फिर नेटफ्लिक्स या फिर एनी काइंड ऑफ लाइक दोस्तों यहाँ पे MX प्लेयर वगैरह, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक गाना को प्ले किया है। ओके,
तो अभी आप लोग जैसे स्मार्ट साइड बार को कुछ ऐसे निकालेंगे स्वाइप करके, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अभी दोस्तों क्या है कि जैसे आप लोग इसके अंदर टैप करेंगे तो आप लोग यूट्यूब से यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो गाना है वो प्ले होते रहेगा। तो एक बार से मैं जस्ट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग फिलहाल देख ही सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल और भी काफ़ी सारे काम इसके अंदर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है अंदर के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग फिर से इसको आना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप लोग सिंपली इसके अंदर टैप कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको चाहते हैं एग्जिट करना, तो यहाँ पे देखिए एग्जिट बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन है, तो इसके अंदर सिंपली क्लिक कर दीजिए, देन ये ऑफ हो जाएगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पे कुछ फीचर्स जो आप लोगों को मिल जाता है आपके रियलमी डिवाइस में। यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ कर रहा हूँ रियलमी 9i 5G, लेकिन दोस्तों अगर आपके डिवाइस में रन कर रहा है रियलमी बाई 3.0, तो ये सब फीचर्स को आप लोग यार बड़े ही आसानी से एक्सेस कर पाओगे। कुछ कुछ फीचर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक बार से लाइक करना वीडियो को, एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे फ्रीडेक चैनल को, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, एंड एज यूजुअल जय हिंद।